मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज में स्विमिंग पूल नहीं मिला तो यमुना को बनाया तरणताल। 37 साल के त्रिभुवन बच्चों को सिखाए तैराकी की बारीकियां। कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई पर कार्रवाई के लिए गवर्नर का सरकार को लेटर, कार्रवाई के दिए निर्देश। गौतम बुद्ध नगर एलिवेटेड निर्माण में इंजीनियर और फॉरेंसिक विभाग की होगी जांच, कंपनी को बिना वेरिएशन 17.21 करोड़ दिए। कानपुर में ट्रॉफी का लालच देकर 7 साल के दुकानदार ने मासूम से किया रेप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल। बलिया में बुजुर्ग की गला काट कर हत्या, घर के बाहर बरामदे में सो रहा था किसान, जमीन को लेकर बड़े बेटे पर लगा आरोप। उन्नाव में आज 62 पुलिसकर्मी होंगे रवाना, समय अवधि पूर्ण होने पर 37 दरोगा, 25 सिपाहियों का हुआ तबादला। हार जीत सभी स्वीकार करें, इटावा में शिवपाल बोले लोकसभा चुनाव में सपा के हार को सबको देखना चाहिए। कन्नौज में प्रॉपर्टी के लिए बहुओं ने ससुर को पीटा, काट दे बुजुर्ग की उंगली, पीड़ित बोला बेटे भी है शामिल। बरेली में खुफिया इकाइयों को बांग्लादेशी महिला घुसपैठियों ने दिया चकमा, पति के फर्जी कागजातों पर बनवाया पासपोर्ट। अम्बेडकर नगर के 52 गांवों में पानी की टंकी बनेगी, 15,000 से अधिक आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल, गांव में शुरू हुआ काम। गाजीपुर में उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे बिल, बिजली विभाग का सेकंड डिवीजन सबसे फिसड्डी। सीतापुर में केबीसी के नाम पर 16 लाख की ठगी, 25 लाख और गाड़ी जीते का व्हाट्सएप पर फर्जी चेक भेजा। गौतम बुद्ध नगर में सिलेंडर में लगी आग, 4 लोग हुए घायल, सोसाइटी में करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का काम। कासगंज में रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटा, लूटने वालों की मची होड़, बर्तन लेकर पहुंचे गांव के लोग। कानपुर में सपा एमएलए के भाई पर 3 तलाक की एफआईआर, पत्नी और बच्चों को मारपीट करके घर से बेदखल किया। गौतम बुद्ध नगर में वाटर पार्क में झगड़ा करते लड़कियों का वीडियो वायरल, दोनों के बीच कॉस्ट्यूम को लेकर हुई तीखी नोकझोंक। चंदौली में सातपुर पुल पर धड़ल्ले से दौड़ रहे ट्रक, 2 साल से भारी वाहनों की एंट्री पर है रोक। ललितपुर पहुंचे भारतीय युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, बोले सेना अध्यक्षों की सिफारिश पर लाई गई अग्निपथ योजना। आगरा में मिड डे मील बना, टीचरों के लिए टेंशन, शिक्षक बोले सिलेंडर तेल के दाम हुए 2 गुने। कानपुर में फिर तेंदुए की दहशत, तेंदुए ने किया सुअर का शिकार, ग्रामीणों पर भी बोला हमला। योगी सरकार ने बढ़ाया प्राइमरी के बच्चों के लिए बजट, यूनिफॉर्म के साथ देगी कॉपी पेंसिल का पैसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया गोरखपुर, फूलपुर 2018 लोकसभा उपचुनाव के हार का बदला, रामपुर आजमगढ़ में खिला कबर। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी की शरण पहुंचे राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। केशव ने अखिलेश पर कसा तंज, पहले सत्ता का ख्वाब टूटा अब जागीर बिछनी। प्रयागराज में बेकाबू ट्रक ने छात्र को रौंदा, बहुत स्टूडेंट ने देर रात किया चक्का जाम, प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर 2 घंटे तक ठप रहा ट्रैफिक। लखनऊ पहुंची शतरंज ओलंपियाड, मशाल सीएम योगी ने 5 बार के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन के साथ खेला दाव, बोले ये विरासत का सम्मान। शहाबुद्दीन गैंग के शूटरों ने की थी वीरेंद्र की हत्या, बहन की जबरन शादी से था नाराज, वीरेंद्र की पहली पत्नी को मिलाकर घटना को दिया अंजाम। मेरठ में 5 मिनट में पुलिस ने बचाई युवक की जान, पत्नी ने झगड़ा होने पर गले में जाल लिया था फंदा, फिल्मी स्टाइल में पहुंची पुलिस।
लाचारी में पकड़ा गया गब्बर जैसा डाकू, बीमारी ने दिलाई घर की याद तो महंत का आश्रम छोड़ा, अब गिरफ्तार कर पुलिस लूट रही वाहवाही। अलीगढ़ में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने दिल्ली में किया धरना, पीएम से की आगे की पढ़ाई देश में भी कराए जाने की मांग। बिजनौर में अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस प्रदर्शनकारी व कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, कांग्रेसियों ने कहा शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बड़े फेरबदल, डीसीपी उत्तरी बदले गए, डीसीपी प्राची और कासिम आब्दी का कार्य क्षेत्र बदला। कुशीनगर में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक का वीडियो वायरल, बोले मेरे घर वालों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, मैं जान दे दूंगा। गाजियाबाद में ज्वेलर्स ने 18 लाख की लूट, कैश लेकर सीए को देने थे सोने के बिस्कुट, लुटेरे ने टक्कर मार कर स्कूटी गिराई और लूटे। आगरा यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, सेमेस्टर परीक्षा में हजारों छात्रों के फेल होने पर एबीवीपी का प्रदर्शन। ललितपुर में महिलाओं ने किया रक्तदान, लोगों को जागरूक करने के लिए आईएएस की मां का किया ब्लड डोनेशन। बिजनौर के चांदपुर में दिन दहाड़े लूटने वाले गिरफ्तार, 6 जून को सेवा जनसेवा केंद्र संचालक से 1 लाख नकदी व लैपटॉप लूट ले गए थे बदमाश। फतेहपुर में ट्रक ने साइकिल सवार करौंदा, मौत, ड्यूटी पर लौट रहा था मजदूर, चालक ट्रक लेकर फरार। अम्बेडकर नगर में किसान यूनियन ने दिया धरना, किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम ने माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। प्रयागराज में जावेद का घर ढहाने के मामले की सुनवाई टली, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई से इनकार किया। बुलंदशहर में बिजली के तारों में आतिशबाजी का वीडियो वायरल, गुलाउची में एचटी लाइन में जम कर हुई स्पार्किंग। एटा में ट्रांसफार्मर में 2700 लीटर तेल चोरी, बिजली विभाग के जेई ने 4 बिजली कर्मियों सहित 6 पर कराई एफआईआर। बाराबंकी में हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, कार सवारों ने कूद कर बचाई जान। आजमगढ़ निरहुआ ने लिया था मां से जीत का आशीर्वाद, मां बोली जनता की सेवा करना, गाली ना सुनना। हमीरपुर में डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई, 10 डग्गामार कैंपर के कटवाए गए पैर दान, 37 ऑटो रिक्शा किया गया चालान। बिजनौर में रंगे हाथ पकड़े जाने पर की पिचाई, रस्सी से पेड़ पर बांधकर फिर गंजा किया, पहले भी कई बार कर चुके हैं चोरी। अलीगढ़ में परेशानी बताकर दामाद के से लिए रुपए, फिर दी धमकी, एडवोकेट ने अपने चचिया ससुर के खिलाफ किया मुकदमा। चित्रकूट में जिंदा मछली के पेट में जाने के बाद युवक की मौत, हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल किया गया था रेफर। प्रयागराज के करछना में डबल मर्डर, पहले महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, हत्या से आक्रोशित लोगों ने प्रेमी को मार डाला। शाहजहांपुर में लॉकडाउन में नौकरी गई तो बन गया ठग, नौकरी का झांसा देकर 16 लाख वसूला। उन्नाव में फ्री फायर से परवान चढ़े प्यार का अंजाम, बहुत सिक्किम की रेखा को गेम में के सवा हुआ था प्यार। सहारनपुर में हाजी इकबाल के करीबी सनी की संपत्तियों पर चला बुलडोजर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जाई थी जमीन। गोरखपुर में बुजुर्ग का किडनैप कर मांगी 1 करोड़ की फिरौती, चिट्ठी भेजे बोले किडनैपर, पुलिस को बताया तो कर दी जाएगी हत्या। वाराणसी में अग्निपथ योजना के विरोध में टाउन हॉल में कांग्रेस का सत्याग्रह, योजना वापसी की मांग। बरेली में तंदूरी रोटी की लड़ाई में युवक की पीट पीट कर हत्या, जन्मदिन की पार्टी के लिए होटल में दिया था ऑर्डर। लखनऊ में टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, नियुक्ति की मांग की। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग से 2 सगी बहनों की मौत, एक परिवार के 8 लोग गंभीर। लखीमपुर खीरी में वन विभाग बाघ को पकड़ने में नाकाम, लखीमपुर में विभाग की फेल हुई तैयारियां, अब तक 20 लोगों की जा रही जांच। अयोध्या के कैंटोनमेंट एरिया में मिले हैंड ग्रेनेड, 18 हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया गया, 3 किलोमीटर की दूर है सेना का ट्रेनिंग सेंटर।
मेरठ में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल, कांग्रेसियों ने घेरा डीएम कार्यालय। सोनभद्र में कांग्रेस ने किया अग्निपथ का विरोध, नगर पालिका परिषद में महात्मा गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। कानपुर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, विधानसभा में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में बसपा नेता अनुपम दुबे पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, ठंडी सड़क पर स्थित गुरु शरणम पैलेस होटल कुर्क। गाजीपुर में पुलिस को मिली सफलता, भारी मात्रा में गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, असलाह कारतूस भी बरामद। गोंडा में जवान की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, पीड़ित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डीएम ने लगाई न्याय की गुहार। हरदोई में ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक के उड़े चीथड़े, मौत पर लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। कुशीनगर में सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के नाम पर किया जा रहा है वैध वसूली, शिकायत भी नहीं हुई कार्रवाई। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने शहीद की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शहीदों को सम्मान देने में सर्वोपरि है। कन्नौज में दफनाए युवक का पोस्टमार्टम कराने की मांग, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जलौन में युवक ने गोली मारकर की हत्या, मनरेगा में अकाउंटेंट पद पर, गुरसराय ब्लॉक झांसी में था तैनात। आगरा में कांग्रेस के जिला मुख्यालय पर किया आंदोलन, अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़क पर उतरे केंद्र सरकार को बताया युवा विरोधी। महमूदाबाद में चार हत्या आरोपी की 1.75 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पीट कर विद की हत्या। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज की छत गिरी, लैब में रखी मशीनें टूटी। रायबरेली में सफाई कर्मचारियों का अनिश्चित समय के लिए हड़ताल शुरू, नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।